यो, क्या हाल है स्पेस कैडेट्स? रन विजय हियर, आपका गाइड टू द कॉस्मोस। आज हम एक्सप्लोर करेंगे ड्वार्फ प्लैनेट्स की दुनिया को। इन्हें समझो हमारे सोलर सिस्टम के छोटे भाई बहन। ये प्लैनेट्स से तो छोटे होते हैं, लेकिन फिर भी बहुत कूल और रहस्यमय हैं। ड्वार्फ प्लैनेट्स प्लैनेट्स की तरह ही होते हैं। ये सूरज का चक्कर लगाते हैं और इनमें इतना ग्रेविटी होता है कि ये खुद को गोल आकार में बनाए रख सकते हैं। लेकिन एक बड़ा अंतर है, ये अपनी ऑर्बिट दूसरे ऑब्जेक्ट्स जैसे एस्टेरॉइड्स और कमेट्स के साथ शेयर करते हैं। ड्वार्फ प्लैनेट्स नेप्ट्यून ग्रह से पहले केपर बेल्ट नामक रीजन में पाए जाते हैं। ये एक जायंट कॉस्मिक डोनट की तरह है जो आइसी रॉक्स और ड्वार्फ प्लैनेट्स से भरा हुआ है। जरा सोचो तो, तैयार हो जाओ ड्वार्फ प्लैनेट्स की अमेजिंग दुनिया की सैर के लिए। चलो बात करते हैं प्लूटो की। जानते हो जिसे प्लैनेट होने से हटा दिया गया था? हाँ, ये बहुत बड़ी बात थी। प्लूटो को 1930 में खोजा गया था और इसे लंबे समय तक ह्यूमारा 9th प्लैनेट माना जाता था। लेकिन फिर चीजें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गई। एस्ट्रोनॉमर्स ने कुइपर बेल्ट में प्लूटो के साइज के और भी ऑब्जेक्ट्स खोजने शुरू कर दिए। कुछ तो प्लूटो से भी बड़े थे। इससे एक प्रॉब्लम पैदा हो गई। अगर प्लूटो एक प्लैनेट है तो क्या ये बाकी ऑब्जेक्ट्स भी प्लैनेट्स नहीं होने चाहिए? 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन या IAU ने प्लैनेट की एक नई डेफिनेशन बनाई। और पता है क्या, प्लूटो उसमें फिट नहीं बैठता था। इसे रिक्लासिफाई किया गया एक ड्वार्फ प्लैनेट के रूप में। सैड है ना? लेकिन ज्यादा दुखी मत हो प्लूटो के लिए, ये अभी भी एक ऑसम और फैसिनेटिंग जगह है। एरिस, सारा खेल बिगाड़ने वाला। ये ड्वार्फ प्लैनेट प्लूटो से भी ज्यादा बड़ा है और प्लूटो को प्लैनेट होने से हटाने में इसका बड़ा हाथ था। 2005 में खोजा गया एरिस ने एस्ट्रोनॉमी की दुनिया में भूचाल ला दिया। एरिस इतना दूर है कि सूरज का एक चक्कर लगाने में इसे 557 साल लगते हैं। सोचो, इतना लंबा इंतजार सिर्फ अपने बर्थडे का। ये दूर की दुनिया बहुत ज्यादा ठंडी है और बर्फ से ढकी हुई है। एरिस की खोज ने एस्ट्रोनॉमर्स को सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर प्लैनेट होने का मतलब क्या है। इसने हमें दिखाया कि हमारा सोलर सिस्टम जितना हम सोचते थे उससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स और डाइवर्स है। सेक्शन 4, मेक एंड होमिया। सिर्फ छोट ग्रह नहीं, बहुत कुछ और भी। कुइपर बेल्ट एक खजाने से भरे बक्से की तरह है जो ड्वार्फ प्लैनेट से भरा हुआ है। और हम सिर्फ प्लूटो और एरिस की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ मेक भी है, एक रेडिश वर्ल्ड जिसका नाम ईस्टर आइलैंड के एक गॉड के नाम पर रखा गया है। ये इतना ब्राइट है कि ARP इसे एक पावरफुल टेलीस्कोप से भी देख सकते हैं। फिर हाउमिया है, जो सबसे तेज स्पिनिंग करने वाला ड्वार्फ प्लैनेट है जिसे हम जानते हैं। ये इतनी तेजी से घुमाता है कि इसका शेप रग्बी बॉल जैसा हो गया है। कितना कूल है ना? ये हर एक ड्वार्फ प्लैनेट यूनिक है और इनकी अपनी अलग कहानी है। ये छोटी छोटी दुनिया की तरह हैं जिन्हें एक्सप्लोर किया जाना बाकी है। सेक्शन 5, ड्वार्फ प्लैनेट बेन के लिए रूल्स काया है। तो आखिर क्या चीज एक ड्वार्फ प्लैनेट को ड्वार्फ प्लैनेट बनाती है? देखो, IAU के कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स हैं। पहला, इसे सूरज का चक्कर लगाना जरूरी है, कोई एक्सेप्शन नहीं। दूसरा, इसमें इतना ग्रेविटी होना चाहिए कि ये खुद को गोल या लगभग गोल आकार दे सके। आलू जैसा शेप अलाउड नहीं है। तीसरा, ये अपनी ऑर्बिट दूसरे ऑब्जेक्ट्स के साथ शेयर करता है जो इसके साइज के आसपास हों। यहीं पर प्लूटो फंस गया था। ये रूल्स ह्यूमे अपने सोलर सिस्टम के ऑब्जेक्ट्स को क्लासिफाई करने और ये समझने में मदद करते हैं कि ये कैसे बेन। सेक्शन 6, छोटी दुनिया, बड़ी खोज। ड्वार्फ प्लैनेट्स इंपॉर्टेंट क्यों हैं? ड्वार्फ प्लैनेट्स भले ही छोटे हों, लेकिन ये हमारे सोलर सिस्टम के हिस्ट्री के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। इन्हें स्टडी करके हमें ये समझने में मदद मिलती है कि प्लैनेट्स कैसे बनते हैं और कैसे इवॉल्व होते हैं। ये ह्यूमे बिलियंस ऑफ इयर्स पहले अर्ली सोलर सिस्टम की कंडीशंस के बारे में बता सकते हैं। ये बिल्कुल कॉस्मिक डिटेक्टिव्स बनने जैसा है। तो अगली बार जब ARP स्टार्स को देखो तो ड्वार्फ प्लैनेट्स को याद रखना। ये भले ही छोटे हों लेकिन बहुत मायने रखते हैं। एक्सप्लोर करते रहो दोस्तों।